दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में लिस्टेड हुई दो कंपनी के बारे में। दोस्तों, रूट मोबाइल और माइकेम्स के बारे में। दोस्तों, दोनों ही कंपनी आपको पता होगा कि हाल ही में लिस्टेड हुई है और दोनों में आज भयंकर न्यूज निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से यार दोनों में आज भारी तेजी दिखाई दी थी और मुझे लगता है दोनों में अभी भी आग बाकी है, अभी भी तेजी यहाँ पे बाकी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह की न्यूज निकल करके आ रही है, यहाँ से ऐसा अंदाजा मिल रहा है हमको, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पे भले ही वो लिस्टिंग प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा हो, खास करके मैं रूट मोबाइल की बात करना चाहूंगा कि उसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे काफी वो ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें अभी भी आग बाकी है। और यहाँ पे बात करूँ माइकेम्स की, तो यहाँ पे वो जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वो सब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, वो मैं आपको चार्ट पे लेके जाके बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि वो जिस प्राइस पे भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है वहाँ से हमें काफ़ी ऊपर के लेवल आगे आने वाले दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में न्यूज एकदम बढ़िया निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, आईपीओ में जिसको अलॉटमेंट मिला है, जिसने होल्ड किया है, जिसने माल बेच दिया है, या फिर जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है और वो नई खरीदारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं कौन से लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, कौन से लेवल पे सेलिंग कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपकी लाइक बहुत कम हो चुकी है मेरे वीडियो पे, पहले जब मैंने बताया था तब तो बढ़िया लाइक आ रही थी। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देख लेते हो, वीडियो अच्छा भी लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताते भी हो आप मुझे, पर दोस्तों लाइक करने में मुझे नहीं लगता कि 1 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। था दोस्तों, पहले चलेंगे दोनों की एनएसई की वेबसाइट पे और दोनों के कारोबार की आज की क्या डिटेल रही है वो जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद तेजी के पीछे क्या वजह रही है दोनों के पीछे वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो से कहीं मत जाइएगा। तो मैं यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट खोल के रखी है, रूट मोबाइल मैंने सर्च करके ऑलरेडी रखा है आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हो रूट मोबाइल लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। उसकी क्लोजिंग हुई 825 रुपये के आसपास, 41.5 रुपये ऊपर, 5.5% के आसपास की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 783 रुपये, ओपन होते 790 रुपये के आसपास, हाई बनाता है 849 रुपये 40 पैसे का, लो बनाता है 771 रुपये 15 पैसे का, और यहाँ पे फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 827 रुपये 40 पैसे के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार की डिटेल देखें दोस्तों, तो कारोबार 20 ट्रेड हो चुकी थी 31,41,000 शेयर की, जिसमें से 2,94,000 शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज हालांकि बहुत कम है, 9.36 का है, परंतु भले डिलीवरी परसेंटेज दोस्तों कम हो, पर यहाँ पे न्यूज धमाकेदार निकलती हुई आ रही है। तो मुझे लगता है कि रूट मोबाइल में आगे आने वाले दिनों में 1,000 का लेवल भी आ जाए तो इतनी ज्यादा हैरानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसने ऑलरेडी हाई 988 रुपया का तो बना ही दिया था पिछले कुछ दिनों में बात करें तो। दोस्तों, अभी हम चलेंगे माइकेम्स की कारोबार की डिटेल के ऊपर, तो उसके लिए मैं फिर से आपको एनएसई की वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने देखे दोस्तों, तो मैं इसको डिलीट कर दू, माइकेम्स सर्च करके रखा है यहाँ पे दोस्तों। उसकी क्लोजिंग हुई है एकदम 1400 रुपये के आसपास, 1.60 रुपये डाउन था, 0.11% की गिरावट, मतलब कि ये मामूली गिरावट है, फ्लैट बोल सकते हैं, फ्लैट क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी तेजी थी, हालांकि आपको यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे भले फ्लैट दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्लोजिंग तो 1401 रुपये पे था और ओपन होता है 1420 रुपये, और हाई दोस्तों देखो कहाँ बनाता है, 1489 रुपये का हाई, मतलब लगभग 90 रुपये ऊपर जाके हाई बनाता है, हालांकि लो भी 1371 रुपये का बना देता है, और फाइनली क्लोजिंग 1401.40 रुपये के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। क्वांटिटी की बात करें तो 6,38,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 2,77,000 शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज 43.49, मतलब कि 43.5% की डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों। तो यहाँ पे माइकेम्स में देखें तो दबा करके डिलीवरी यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम चलेंगे दोस्तों दोनों न्यूज पे, वन बाय वन दोनों न्यूज को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें रूट मोबाइल से, तो मैं सीधा आपको यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके जाना चाहूंगा और रूट मोबाइल में क्या न्यूज थी, क्यों इतनी ज्यादा तेजी दिखाई दी 5% के से भी ऊपर, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, रूट मोबाइल एक्वायर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम टेले डीएनए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्विजिशन किया है, मतलब कि खरीदा है, वो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। रूट मोबाइल अ क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैज कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ
intellectual property its associate contracts from TeleDNA for over 12 crore Route Mobile, which was listed on BSE last month, said it had entered into the business transfer agreement, मतलब कि BTA, TeleDNA Communication is the June for acquisition of intellectual property and its associate identified customer contracts on slump sale. तो दोस्तों जो TeleDNA करके कंपनी है उसका जो एग्रीमेंट है BTA करके बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, उसको यहाँ पे एक्विजिशन किया है 12 करोड़ में यहाँ पे एक्विजिशन हुआ है। तो यहाँ पे और भी आगे बताना चाहूँगा, द कंपनी हैज सब्सिक्वेंटली साइंड अमेंडमेंट एग्रीमेंट टू द BTA October 1, 2020 एंड हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन, रूट मोबाइल सेड इन द रेगुलेटरी फाइलिंग। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे ये डील हुई है, तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया डील है। अगर आप अभी यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे जो मैं नाम कुछ बताए उसके बारे में आप शायद ना जानते हो, तो पहले यहाँ पे पहले TeleDNA कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है, वो क्या करती है, वो मैं बताना चाहूँगा। बेंगलुरु बेस्ड TeleDNA कंपनी है जो स्पेशलिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम रिलेटेड सोल्यूशन लाइक MMSE मतलब कि मल्टी मीडिया मैसेज सर्विसेज और SMSE शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर प्लेटफॉर्म, SMS HUV एंड SMS Firewall। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया कि TeleDNA किस में स्पेशलिस्ट है, मतलब कि मल्टी मीडिया मैसेज सर्विस सेंटर एंड शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर में यहाँ पे उसकी स्पेशलिटी है। तो आपको पता होगा कि रूट मोबाइल का भी यही बिजनेस है, वो जो मैसेज जो आते हैं उसमें ही वो डील करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डील हुई है अपने आप में बहुत ही बढ़िया हुई है। तो दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा, द फाइलिंग सेड द लमसम परचेस कंसीडर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन इज 12 करोड़ प्लस टैक्सेस। तो 12 करोड़ में ये डील हुई है। तो दोस्तों ये डील की जो खबर, हालांकि डील तो 1 अक्टूबर 2020 को हुई है, मतलब कि दिन पहले हुई है, तो ये जो तब तो आपको पता होगा कि बाजार बंद था। तो यहाँ पे जो डील की सुबह न्यूज निकल करके आई, इसकी वजह से ही यहाँ पे इसमें भारी तेजी दिखाई दी थी रूट मोबाइल में, और मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे और आग बाकी है रूट मोबाइल की बात करें तो। अभी हम चलेंगे सीधा माइक कैम्स के ऊपर, और वो क्यों इतना ज्यादा तेज था, उसके पीछे भी बड़ी खबर है, वो भी डिस्कशन करना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बिजनेस टुडे पे लेके आए हूँ, यहाँ पे पढ़े तो वाई कैम्स शेयर प्राइस रोज ओवर 4% हो जाए। दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया कि जब मैं आपको NSE की वेबसाइट पे उसकी प्राइस एनालिसिस करके दिखा रहा था, तब की एक समय पे उसने 1490 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, तो तब वो लगभग 4% तेज था, 4% से भी ज़्यादा तेज था। तो तेजी के पीछे वजह थी दोस्तों, वो भी मैं बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी बल्क डील हुई है केम्स में, और एक बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे माल खरीदता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे तेजी थी। तो पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। शेयर प्राइस ऑफ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस मतलब कि केम्स गेन ओवर 4% इंट्राडे आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टर बोर्ड शेयर ऑफ रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट फॉर म्यूचुअल फंड दैट रिसेंटली लिस्टेड ऑन बोर्सेस। द कैम्प शेयर रोज 4.13% टू 1459 अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोजिंग ऑफ 1401 BSE। तो पूरी यहाँ पे डिटेल पढ़ने की कोशिश करें कि टोटल 4.6 लाख शेयर चेंज हैंड अमाउंटिंग टर्न ओवर आर 16.47 करोड़ ऑन BSE। मार्केट कैप ऑफ द फॉर्म रोज 6,831 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे जो बल्क डील करी है वो कौन कौन है, वो पूरे नाम बताना चाहूंगा दोस्तों। एक जो नहीं है, हालांकि काफी यहाँ पे नाम अवेलेबल है, वो सब मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी नाम यहाँ पे आ रहे, एसेट मैनेजमेंट AC गोल्डमैन सैक्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड SSA MGT LP-A देव ऑफ SC को A-CSCG फंड CG ग्लोबल मार्केट इक्विटी पोर्टफोलियो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड फाइडेलिटी एडवाइजरी सीरीज V-AAA 8 फाइडेलिटी एडवाइजरी इमर्जिंग एशिया फंड फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फाइडेलिटी साउथ ईस्ट एशियन फंड केनारा रोबेको म्यूचुअल फंड बोट, मतलब ये सभी देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, मैं इंडिया के म्यूचुअल फंड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ये यहाँ पे फॉरेन के सब म्यूचुअल फंड ने सबने मिलके यहाँ पे 32,56,255 शेयर यहाँ पे खरीदे हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे बढ़िया तेजी हमें दिखाई दे रही थी सुबह सुबह मॉर्निंग की बात करें तो दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये 1400 रुपये के आसपास यहाँ पे उसने उन्होंने बाइंग करी है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में 1400 रुपये के आसपास का जो लेवल निकल करके आ रहा है, हालांकि आज भी उसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है,
तो मुझे लगता है अपने अपने बढ़िया प्राइस हो सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी है माई कैंप्स में। तो दोस्तों मैं आपको एंकरेज करूंगा कि यहाँ पे आप जिस किसी ने भी यहाँ पे माल लेके रखा है, जिस किसी को भी यहाँ पे आईपीओ में लगा है, और जिस किसी ने भी नई खरीदारी करी है और खरीदारी करना चाहता है, वो 1400 रुपये के आसपास अपनी पोजिशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी चलेंगे दोनों के चार्ट पे, हालांकि चार्ट में इतना ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और वहां पे लेवल और टारगेट क्या आ सकते हैं, कहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। रूट मोबाइल का दोस्तों चार्ट मैंने खोल के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग मैंने जैसे बताया, मैं यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगा ये हटा के, उसकी क्लोजिंग हुई है 825 रुपये के आसपास। तो दोस्तों अभी ये जो रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे मैं देखे तो ये रेंज बाउंड हो चुका है, ऊपर की तरफ 850 और नीचे की तरफ 760 का लेवल यहाँ पे है। अगर ये दोनों में से एक को भी लेवल तोड़ता है, नीचे की तरफ 760 का लेवल टूटता है, तो 635 के आसपास जा सकता है, जो कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था। और ऊपर की तरफ 985 रुपये के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, आप इसको 1000 का लेवल भी बोल सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस या तो फिर 750-760 के आसपास यहाँ पे कोई बाइंग करता है, तो रूट मोबाइल में यहाँ पे अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग का, और ऊपर की तरफ 1000 रुपये तक के टारगेट आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी देख सकते हो। यहाँ पे माइक कैम्प्स की बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से, यहाँ पे माइक कैम्प्स के चार्ट पे भी लेके आए हो दोस्तों। यहाँ पे तो इतना ज्यादा रूट मोबाइल से भी कम ज्यादा कम है, यहाँ पे कैंडल की बात करें तो यहाँ पे जल्दी से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे माइक कैम्प्स ने हाई बनाया था लिस्टिंग के दिन 1535 रुपये का, और इसी दिन लो बनाया था 1305 रुपये का भी। तो हाल फिलहाल में तो यहाँ पे वो बात करें तो यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हुई है 1402 रुपये के आसपास, तो नीचे की तरफ 1376 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि आज उसने लिया है, और ऊपर की तरफ 1460 रुपये के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है। इन दोनों में से आइदर साइड यहाँ पे तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो हमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लेवल आ सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस से भी बाय करते हो और 1375 से नीचे स्टॉप लॉस लेके चलते हो, तो पहला टारगेट आपके लिए 1535 के आसपास हो सकता है, हालांकि 1460 भी है, तो 1460 के ऊपर 1535 तक के लेवल आ सकते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक अपने अपने बढ़िया है, और मैं खास करके मुझे माइक कैम्प्स ज़्यादा पसंद है क्योंकि मार्केट लीडर है और 70% मार्केट शेयर उसके पास है। तो लॉन्ग टर्म के लिए माइक कैम्प्स को तो दोस्तों आप बिल्कुल रख सकते हो पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिस किसी ने भी मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फ्री इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स पाने के लिए। आज मेरे जो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर है उन्होंने दबा करके प्रॉफिट निकाला है, 2-3 यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के कॉल्स दिए थे। और दोस्तों जो कोई भी यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।